बोर्ड एग्जाम में 15 से 20% यानी अप्रोक्सीमेट 100 नंबर्स बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स एंड मेथड्स जो मैं अपने बचपन से आज तक फॉलो करता आया हूँ और जिन्हें कुछ टॉपर जीनियस या एक्सपीरियंस वाले लोग या तो आपको बताते हैं और आज तक कुछ ऐसे इसमें ट्रिक्स हैं जिसको आज तक आप आपने ना सुना होगा ना कहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब के इतिहास में या कहीं पर भी आपने इन तरीकों को ना देखा होगा। ये कुछ मेरे सीक्रेट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको मैं बचपन से फॉलो करके टॉप करता हुआ आया हूँ। तो कुछ ऐसे तरीके हैं इनको मैंने साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बचपन से 7th क्लास से मैं आज तक टॉप करते हुए आया हूँ और ये तरीके मैंने खुद अपनाए हैं। ये एक्सपीरियंस तरीके हैं। ये कोई आप पूरे इंडिया में किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी स्टेट के बोर्ड में हो, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो या 12th में हो। अगर आप हाई स्कूल में तो आपके कम से कम 100 से 120 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आप 12th में तो आपके 80 से 100 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। अगर आप इंजीनियर तो आपके बल्ले बल्ले हैं। फिर तो इसमें आप इतने मार्क्स ला सकते हैं कि आप थोड़ा सा पढ़कर अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा में हैं या बीटेक में तो थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा करके आप टॉप कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में और ऑल ओवर टॉप करते हुए आया हूँ। तो उन्हीं अपने सीक्रेट्स को आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वीडियो इन 7 वीडियो मेरा जीवन भर का एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी गहरी केस स्टडी है जिसको मैं आपको एक एक वीडियो करके बताऊंगा। मैंने 7 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो इसके ऊपर हाउ टू राइट द कॉपी इन एग्जामिनेशन हॉल। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होते हैं तो उसमें कॉपी में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए उसके बारे में वीडियो है। दूसरी वीडियो है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चा बैठा होता है तो कुछ गलतियाँ ऐसे करता है जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं तो उसके परसेंटेज घटा देते हैं। तो उन तरीकों उन गलतियों को आप ना करें और आपके मार्क्स ना कटेंगे, तो उन दूसरी वीडियो इसके ऊपर। तीसरी वीडियो है कि आप जो मोटिवेशन लेते हैं आपका मोटिवेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, साइकोलॉजिक इफेक्ट क्या पड़ता है आपके एग्जाम लाइफ के ऊपर। तो थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे कुछ बच्चे टाइम फॉलोअप कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आप चाहे टाइम फॉलोअप करें या ना करें, आप अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे पढ़ सकते हैं। फिफ्थ वीडियो व्हाट टू ईट, मतलब एग्जामिनेशन जब टाइम होता है आपका 1 महीने, आपको ये खाना ये नहीं खाना, कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं और जो काफ़ी कॉमन है लेकिन उनको फॉलो करके आप अपनी मेमोरी पावर को बूस्ट कर सकते हैं, मेमोरी पावर को आप अपने को बढ़ा सकते हैं। जो सिक्स्थ वीडियो है कि हाउ टू स्टडी हार्ड एंड टफ सब्जेक्ट। आपको सब बता देते हैं कि आप इन तरीकों से अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं लेकिन ये नहीं बताता कि कठिन सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। तो सिक्स्थ वीडियो आपके इसके ऊपर है। सेवन्थ वीडियो है हाउ टू कवर ऑल सब्जेक्ट, जो आपके लास्ट के दिन बचे होते हैं जैसे 10 दिन बचे या 15 बचे या 20 दिन बचे, उनमें सारे सब्जेक्ट को कवर अप कैसे करना है, उसी के लिए आपकी 7th वीडियो है। तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 7 वीडियो हैं जिनमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको केवल इन्हीं को फॉलोअप करना है, इनके अलावा किसी की बात नहीं सुननी है। आप अपनी 30 से 40 मिनट देकर इन 7 वीडियो को देखें और आपके अप्रोक्स में 100 नंबर्स बढ़ जाएंगे। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो एवरेज से आप हाई हो जाएंगे, आपके मार्क्स टॉपर स्टूडेंट के बराबर आएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ 80, 85 या 90% मार्क्स आप ला सकते हैं इन सब वीडियोज़ को देखकर, इन सब तरीकों को अपनाकर। पार्ट ए को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर्स के लिए। मतलब एक स्टूडेंट पेपर को सॉल्व करता है तो क्या करना चाहिए और एक टीचर करता है तो उसको वो क्या क्या सोचता है। तो जब एक स्टूडेंट पेपर को सॉल्व करता है तो मैं आपको इन 20 तरीकों को बताने जा रहा हूँ, 20 मेथड्स को बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। लेकिन जब आप कॉपी को लिखने जा रहे हैं तो याद रखें कि टीचर को नहीं पता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप पुअर स्टूडेंट हैं या आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, तो उसके सामने सब इक्वल हैं। तो अपनी कॉपी को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और वो बाकी टीचर की मेंटेलिटी को डिपेंड करता है, वो गुस्से में अच्छे मूड में किस तरीके से है उसका, तो वो उसी हिसाब से मार्क्स देगा। तो आपको एकदम निश्चिंत होकर पेपर देना है, बिल्कुल भी किसी चीज़ को सोचना नहीं है। तो इन सब तरीकों को आप फॉलोअप करें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो आपका सबसे मेन वर्क जो होता है वो होता है कॉपी को प्रेजेंट कैसे करना, अपने आंसर को लिखना कैसे है। तो उनके कम से कम 15 से 20 ऐसे टिप्स और मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी कॉपी को बेटर से बेटर बना सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ, इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, आपके 15 से 20% सभी सब्जेक्ट की कॉपी इसी तरह से लिखना आपके गारंटीड बढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है हैंड राइटिंग। आप अपनी हैंड राइटिंग को जितना सिंपल और जितना अच्छा लिख पाएंगे उतना बढ़िया। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो उसके लिए एक तरीका है, आप अपने वर्ड्स को सीधे सीधे लिखें, एकदम स्ट्रेट वर्ड लिखें और थोड़ा गैप दे के लिखें।
और थोड़ा कोशिश करें कि आप एग्जाम टाइम में वन पेज डेली अपना प्रैक्टिस करें। 30 डेज की तो बात है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके मार्क्स को इंक्रीज ही करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पेन। आप पेन कैसा यूज कर रहे हैं, तो पेन के बारे में आपको मैं टिप्स देना चाह रहा हूँ। पहला जो टिप्स है पेन के लिए वो है, आप ऐसा पेन यूज करें जिसमें कम से कम वेट हो, जो काफ़ी हल्का हो, जिससे आपका फ्रिक्शन जो घसड़ कॉपी के पेज पर कम से कम लगेगा और आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिख सकते हैं और आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। और पेन, दूसरा जो टिप्स है पेन के लिए वो ये है कि पेन की ग्रिप ऐसी हो आपके हाथ में फिसले ना, एकदम ऐसा हो हाथ में अच्छा से जमे। तीसरा जो हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिस पेन से बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं उसी पेन का यूज करें एग्जाम से 5 दिन पहले रिवीजन करते टाइम, क्योंकि वो हाथ में आपके पेन जम जाएगा और जमते ही आपकी स्पीड तेज हो जाएगी और आप एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के जो 4 पेज हैं, 4 पेज बिल्कुल भी कटिंग ना हो। उन पेजों में कटिंग ना करने के लिए आप या तो ये कर सकते हैं कि वो क्वेश्चंस पहले करें जो आपको ठीक से आते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर पहले ही कॉपी देख लेगा कि इसके बच्चे की कॉपी में कटिंग हो रही है तो उसका दिमाग थोड़ा हिल जाता है, तो वो सोचता है ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कटिंग पेटिंग कर रहा है। तो आप ध्यान रखें आपके स्टार्टिंग के जो 4 पेज हैं वो उनमें बिल्कुल भी कटिंग ना हो। एग्जाम में किस तरीके के पेन के यूज करें इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी, क्योंकि जब एक आदमी अच्छा दिखता है तो उसी के हिसाब से उसकी रेटिंग मिलती है, तो आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी तो आपको ज़्यादा डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जो फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रेंड्स, आप हर एक क्वेश्चन के बीच में गैप कितना देते हैं। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को 1 या 2 या 3 लाइन्स में लिखते हैं, तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आप 3 लाइन का गैप दें, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो टिक लगाकर वो नंबर लिखने होते हैं, अगर आप घिचपिच कर देंगे तो उसको पहले तो ठीक समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो मार्क्स लगेगा वो हो सके तो आपका काउंट ना हो, क्योंकि वो आंसर शीट के ऊपर ही अपने मार्क्स लिख देगा। फिर फिफ्थ जो पॉइंट फ्रेंड्स बताने जा रहा हूँ वो है आपका कि मार्जिन कैसे करें। आप जो एग्जाम में आप मार्जिन करने जा रहे हैं, मतलब जगह जो छोड़ते हैं हाथ से, आप जो जगह छोड़ रहे हैं कैसे छोड़ रहे हैं, तो मैं जो वीडियो लास्ट होगी तो उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में गैप देना है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस की सेक्शन को लिखना और किस तरीके से उसमें मार्जिन रखनी है। तो मैं अभी बस इतना बता रहा हूँ कि मार्जिन का ध्यान रखें और मार्जिन ओनली 1 साइड करनी है। 6th पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है न्यू सेक्शन के क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है आपको। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो जब एंड होगी उसमें बताऊंगा क्वेश्चन को लिखना कैसे है और अपने पेन से जब आप लिखेंगे तो उसमें कैसे किस तरीके से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। 7th पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है आपका हेडिंग। आपको हेडिंग को या तो बॉल पेन से, जो मोटा बॉल पेन होता है उससे लिखना है, या आपको मार्कर से लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है ठीक तरीके से, जिससे, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और पिछले 7 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब एक टीचर किस तरीके से कॉपी चेक करता है, वो क्या क्या गलत, मतलब क्या क्या चीज़ देखता है, क्या क्या नहीं देखता है। 8th पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वो है आपके मेन वर्ड्स के ऊपर, जो आपके क्वेश्चंस, जो आंसर्स आप जो लिखेंगे उसमें जो मेन वर्ड होगा उसको डिफरेंट पेन से, मतलब आप आंसर्स को लिख रहे हो ब्लू पेन से तो उसको ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन करें, जिससे टीचर जो कॉपी चेक करेगा तो उसका दिमाग डायरेक्ट वहीं जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेन वर्ड्स को देख कर आपके उस पर टिक करने से लगाकर आगे बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जो 8th पॉइंट है ये एकदम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। 8th पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो पानी पी कर जाएँ, और जब आपका एग्ज़ाम आधा ख़त्म हो जाए, जैसे आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का है, तो आप 1 आवर्स बाद या 2 आवर्स बाद पानी पीने के लिए जाएँ। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको, जब आप पानी पीते हैं तो आपके जो बॉडी है उसको O2 मिलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका पहले तो जो माइंड होता है बूस्ट हो जाता है, आपको एक नई एनर्जी लेवल मिल जाता है। जैसे आप पहले, जब आपका एग्ज़ाम आधा ख़त्म हो जाए तो आप पानी पीने जाएं, वहाँ पर अपने आँखों पर छींट मारें और अपने फेस को पानी से वॉश करें और रुमाल से पहुँच कर बैठ जाएं। मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ, मैं इसको खुद अप्लाई करता हूँ, आपके दिमाग में अच्छे से अच्छे आइडिया आएंगे और आप उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं, आपके दिमाग को बूस्ट करने का काम करता है वाटर। फ्रेंड्स, जो आपका 10th पॉइंट है वो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको चाहे क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी ना आता हो,
आपको उसके बारे में फिर भी लिखना है, लेकिन आप बोलेंगे कुछ भी नहीं आता तो लिखें क्या। जैसे आपकी हेडिंग दे रखी है लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपके बारे में आप मैं उसमें पूछें टाइप बताओ, तो आप उसके बारे में उसमें कुछ भी आता है, जैसे डेफिनेशन आती है तो आप उसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको आपको उसका डायग्राम आता है तो आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, आपको उसकी इंग्लिश में मीनिंग पता है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इंग्लिश में मीनिंग पता है तो इंग्लिश लिख सकते हैं, तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसका इंग्लिश में मीनिंग आपको अगर पता है तो आप इंग्लिश में इंग्लिश टू ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब कुछ भी लिखो उसमें लिखो, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे उसमें। 11th जो पॉइंट है वो है फ्रेंड्स फिंगर एक्सरसाइज। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ठंड का टाइम होता है तो आपके हाथ में थोड़ी ठंड भी लग सकती है, तो आप कोशिश करें अपने उंगलियों की एक्सरसाइज करते रहें, हाथों को अपने को गर्म करते रहें, जिससे आप अच्छे से अच्छा लिख पाएं। फ्रेंड्स जो आपका 12th जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कभी कभी बच्चों का ऐसा होता है कि क्वेश्चन लिखते लिखते पेपर लिखते लिखते आपका टाइम निकल जाता है, आप कहते हैं मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए। जैसे जब मैं 10th में था तो मेरे हिंदी के पेपर में ऐसा हुआ था, तो आपको ये फिक्स करना है कि मुझे ये वाला सेक्शन इतने टाइम में करना है। आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो ये फिक्स करना है कि इस वाले क्वेश्चन को मुझे इस टाइम में करना है, इस वाले क्वेश्चन के पार्ट को इसमें करना है, शॉर्ट को इतने में करना है, लॉन्ग को इतने में करना है, वेरी शॉर्ट को इतने टाइम में करना है। और कोशिश करें कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आप उनको सबसे लास्ट में करें, क्योंकि उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहती है और मार्क्स भी उनके कम होते हैं। अगर स्टार्टिंग में गलत हो जाएंगे तो टीचर का ऊपर उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो कोशिश करें लास्ट में करें, और हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम फिक्स करें कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन इतने में करना है, एक घंटे में मुझे इतना पार्ट करना है, दूसरे घंटे में इतना करना है, और थर्ड मतलब आवर में आपको इतना करना है। 13th पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है आपका कि आपको नया क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये 13, 14, 15, 16, 17 ये 4 पॉइंट मैं आपको कॉपी के माध्यम से दिखाऊंगा, तो आप देखिए इसको। 13 जो पॉइंट है इसमें एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, तो पहले तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट नाउ, तो उसके ऊपर ये लिखना है आपको सेक्शन, सेक्शन ए है बी है सी है। और सबसे मेन बात जो 14th पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप मार्क्स और लिखते हैं, आप मार्क्स लिखेंगे इस तरीके से टीचर का दिमाग उस पर जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको पूरे का पूरे मार्क्स देने की कोशिश करेगा, उसको काफ़ी सिंपल होगा तो कॉपी अच्छी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। 15 जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है आपका आंसर। देखिए आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख के ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। 16th जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है डायग्राम, आपको वो डायग्राम बड़ा और क्लियर बनाना है, आपको पेज पर कंजूसी नहीं करनी है कि मुझे मतलब कम से कम बनाना है, तो आपको ये आपकी मर्जी है, आप पेन से बनाना चाहें तो पेन से बनाएं डायग्राम को, पेंसिल से बनाना चाहें तो पेंसिल से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेंसिल से बनाएं, पेंसिल से टीचर पर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो आपका 18th पॉइंट जो है जिसके वजह से स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें इस पर। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे कम आ रहा है, जैसे पार्ट 5 में ये वाला क्वेश्चन मुझे कम आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को 2 ठीक क्वेश्चंस के बीच में करें, ताकि उस पर टीचर का ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा और वो उसको पूरा ऑल करेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको फुल मार्क्स देगा और आपके मार्क्स इस तरह से इंक्रीज हो सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि 2 क्वेश्चंस के बीच में एक गलत क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। 93 पॉइंट है फ्रेंड्स वो है आप पेपर को इस तरीके से सॉल्व करें कि आपको पूरा आता है। अगर पेपर जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपको लगेगा ये वाला मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा और मेरे मार्क्स छूट जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको उस पेपर के बारे में ठीक से जानकारी है तो आप उस पेपर को पढ़ लें, अगर आपको उस पेपर के बारे में बस ऐसा है कि मुझे उसमें थोड़ा डर लग रहा है, तो आप ये करें कि सेक्शन 1 स्टार्ट करें और सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन करने हैं उनको अटेम्प्ट करते चलें, मतलब आपको पूरा कहने का मतलब बस इतना है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ना नहीं है और सॉल्व करते हुए जाना है, अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है कि मुझे कितने में कितना करना है और करते हुए जाना है, जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा और डीमोटिवेट नहीं होंगे पेपर करते टाइम। और कुल मिलाकर फ्रेंड्स बात यह है, आप जैसे अपनी सोच को रखोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो उसी हिसाब से के आप अपने क्वेश्चंस को लिख पाओगे, उसी हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे, आपको हॉपलेस नहीं होना है, पेपर को अच्छे से अच्छे करना है, क्योंकि एग्जामिनर एक आदमी है, इंसान ही है, कोई खाने जाएगा तुम्हारी कॉपी को या मार्क्स कम नहीं देगा, बाद की बात है कि उसकी मेंटेलिटी कैसे डिपेंड करती है। टीचर की मेंटेलिटी के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टीचर को एक कॉपी का टारगेट मिलता है कि एक दिन में उसे इतनी कॉपी चेक करनी होती है और वो कोशिश करते हैं कि मैं कॉपी जल्दी जल्दी चेक करके जाऊँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉपी प्रेजेंटेशन आप अच्छी दें और इन सब तरीकों को फॉलोअप करके आप अपनी कॉपी को अच्छे से अच्छा दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स ये थे वो 20 तरीके जिनसे आप अपने मार्क्स को
ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। लेकिन ये तो केवल वन फर्स्ट पार्ट है, इसमें केवल इतना ही बताया कि कॉपी को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखें। लेकिन आप जो गलतियाँ करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसके लिए पार्ट बी को देखें आप, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ऐसे करके मैं 7 पार्ट बनाए, आप सबको देखें। मैं गारंटी लेता हूँ इन 7 वीडियो को देखने में आपका 40 से 50 मिनट तो यूज होंगे। लेकिन आप अपने मार्क्स को सोचिए, आपके कम से कम 15 से 20% मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आपको केवल 30 से 40 मिनट में किसी के लाइफ भर का एक्सपीरियंस, किसी के टॉपर्स का एक्सपीरियंस और काफ़ी केस स्टडी को आपको 30 से 40 मिनट में उसका निचोड़ मिल रहा है 40 से 50 मिनट में। तो आप उन वीडियोज़ को पूरा देखें। और फ्रेंड्स, इन सब वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया है, किन्हीं रीजंस की वजह से मैं इनको नहीं बना पाया हूँ। लेकिन इन सातों वीडियो को, सभी वीडियो को मैं एक साथ अपलोड करूँगा। 12 तारीख से UPBOARD के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि UPBOARD के बच्चे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। तो केवल UPBOARD के बच्चों का प्रॉफिट देखते हुए मैं इन सब वीडियोज़ को एक साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने 40 से 50 मिनट देखकर सारी की सारी वीडियो देखें, आपको काफ़ी से प्रॉफिट मिलेगा, जैसा कि आपको पहली वीडियो में दिखाई दिया होगा। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में।